हेलो दोस्तों, काली नदी चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक खास प्यारा मेहमान है। सबसे पहले आप मेरे लिए नींबू पानी बनाएंगे। आसान है। मुझे नहीं पता मैं किस चीज से बनाऊंगी खट्टा नींबू पानी। मैं तुम्हारे लिए इससे बनाऊंगी। ये पिघली हुई टॉक्सिक वेस्ट कैंडी से बना है। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, मैं इसे और भी ज्यादा फिजी बनाने के लिए इसमें कुछ फिजी पॉप भी मिला रही हूँ। देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है, असली लेमोनेड। वाओ, मैं भी कुछ करूँगा। अब बस ये देखो, मैं इसे खोलता हूँ और इसे इस बर्तन में डालता हूँ। वाह, थोड़ा सा इसे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये टूट गया है। ये तैयार है। इसे वापस पैक में डालता हूँ। हाँ, और ये मेरे थोड़े से हब्स है। इसे काट लेता हूँ और इस पर थोड़ा सा बर्फ डालूंगा। वाओ, और अब मुझे स्प्राइट चाहिए। बस इसमें स्ट्रॉ डाल देता हूँ और मेरा काम हो गया। वाह, मुझे नहीं पता था कि वह इतना अच्छा ड्रिंक बना सकता है। मैं बंदर से नहीं हार सकती, इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी। सबसे पहले अलग अलग फलों से जूस निकालने के लिए जूसर का इस्तेमाल करते हैं। बस इस इंद्रधनुषी सुंदरता को देखो, यह कितना सुंदर लग रहा है। खैर, अब बस ग्लास को नींबू के टुकड़े से सजाना बाकी है। बस बॉन एपिटिट बेटा, विनर चुनो। वाओ, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद लिंसी के इस फिरोजी नींबू पानी से। कितना बुरा, ओह कितना खट्टा है। यह सुंदर है लेकिन पीने लायक नहीं है। अब चलो हमारे प्यारे दोस्त का टिक टैक नींबू पानी आजमाते हैं। ओह, ये बहुत मिंटी है, मुझे ठंड भी लग रही है। मैं दादी का नींबू पानी आजमाना चाहूंगी, शायद मैं गर्म हो जाऊं। वाह, ये फलों के स्वाद के साथ है। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया, आप जीत रही हैं। बधाई हो। धन्यवाद, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो चलो, दूसरे राउंड का समय हो गया है। अब मुझे वॉफल्स चाहिए। हाँ, ये आसान है। वॉफल्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बनाने में भी आसान होते हैं। मुझे सबसे पहले डो बनाना होगा और वॉफल्स को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे डो में थोड़ा कोको मिलाना होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखो यह कितना चॉकलेटी और स्वादिष्ट लग रहा है। बस अब बैटर को वॉफल आयरन में डालकर अच्छी तरह से बेक करना बाकी है। वाह, कितना सुंदर। और तुम्हें पता है क्या चॉकलेट वॉफल्स के साथ क्या अच्छा लगेगा? बेशक पीनट बटर, इसे सभी पसंद करते हैं। क्यों ना इसे एक वॉफल पर फैलाया जाए और दूसरे को इसके ऊपर रखा जाएगा। इससे इस तरह यह मीठा बर्गर बन जाएगा। वाह, अब बस अपने ट्रीट पर पाउडर शुगर छिड़कना बाकी है। ऐसे स्वादिष्ट डिश तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह वाओ, अब वॉफल्स बनाने की बारी मेरी है। मैं गुलाबी न्यूट्रेला बैटर बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मुझे बस चॉकलेट स्प्रेड के जार में सीधे आटा डालना है और इसे अच्छी तरह मिलाना है। वाह बढ़िया, बैटर तैयार है। अब मुझे इसे वॉफल मेकर में डालना है। जरा देखो कि गुलाबी वॉफल्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और जब तक ये पक रहे हैं मैं टिकटॉक देखती हूँ। मैं क्या करूँ, चलो मैं भी अपना काम शुरू करता हूँ सावधानी से। यह मजेदार रहा। क्या हुआ, मेरा वॉफल्स कैसे जल रहा है, क्यों जल रहा है? अरे नहीं, ये बिल्कुल भी गुलाबी नहीं है। मुझे पता है इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए। कौन दोषी है? चलो अब मैं कुछ करता हूँ। हाँ,
ये वॉफल तैयार है। अब मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम डालूंगा, बहुत सारे व्हिप क्रीम। वाह, यह सुंदर दिख रहा है। और इसके ऊपर फिर से दूसरे वॉफल से इसे पूरा ढक देता हूँ। और अब ये कैंडीज M&M रंग बिरंगे, इसे अच्छे से ऊपर से सजा देता हूँ। वाह, देखो यह है ना अच्छा। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया। और मैंने अपने डिश को बचाने का एक तरीका खोज लिया है। मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का उपयोग कर रही हूँ और इससे और अपने जले हुए वॉफल से एक महल बनाने जा रही हूँ। बस ऐसे इसे जमा किया और अब यह वॉफल के टुकड़े, जले हुए टुकड़े। बस इसे अच्छे से एक कैसल की तरह बना देती हूँ और ऊपर से यह आइसक्रीम। पहले थोड़ा चख लेती हूँ। वाह, चलो हाना जल्दी बताओ इस बार कौन जीत रहा है। वाह, मुझे फिर से एक मुश्किल चॉइस करना होगा। मुझे लगता है कि मैं पहले लिंसी के महल को आजमाऊंगी। ओफ, इसका स्वाद बहुत जला हुआ था, गंदा। अब चलो हमारे बंदर के वॉफल आजमाते हैं। वाह, बुरा नहीं है लेकिन ये बहुत साधारण है और उतना साफ सुथरा नहीं है। अब बस दादी के वॉफल्स बचे हैं, वे सबसे अच्छे दिख रहे हैं। वाह, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। दादी बधाई हो, आप जीत रही हैं। वाह वाह, मैं हमेशा बहुत मेहनत से काम करती हूँ। एक और दौड़ के लिए तैयार हो? इस बार मेरे लिए चॉकलेट फाउंटेन बनाओ। मैं जल्दी से केले के साथ अपना काम शुरू करता हूँ। अरे, तुम मेरे ऊपर छिलके क्यों फेंक रहे हो? तुम जंगल में नहीं हो, इतने आलसी मत बनो। ओह, छी, तुम कितने गंदे हो। वाह, चलो अब मुझे क्या चाहिए? केले को मैं ब्लेंडर में डालता हूँ। अब दूध डालता हूँ। हाँ, ये दूध गए ब्लेंडर में। अब इसे मिक्स कर देता हूँ। वाह, ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे चॉकलेट फाउंटेन में डालता हूँ। यहाँ ऐसे। ओह, देखो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। वाह, ये ओरिजिनल है। मुझे लगता है कि हाना को ये केला फाउंटेन जरूर पसंद आएगा। मैं इस आइडिया को कैसे हरा सकती हूँ? शायद सभी की फेवरेट किटकैट बार के साथ, जो पिघलाने में काफी आसान है। और मेरे पास इसके लिए एक ब्लो टॉर्च है। ओह, वैसे ये बहुत शक्तिशाली है। चलो इससे सारे चॉकलेट पिघला देती हूँ। वाह, मैंने डार्क और व्हाइट दोनों चॉकलेट डाली हैं, तो ये और भी सुंदर हो गया है। वाह, अब फाउंटेन बनाने के लिए सिर्फ मैं ही बची हूँ। खैर, मैं इसे सब्जियों से बनाऊंगी। मैं इसमें कैप्सिकम और टमाटर डालूंगी। इसे सभी पसंद करते हैं। खाना को न केवल स्वादिष्ट बल्कि हेल्दी खाना भी चखने को मिलेगा। मुझे इसके ऊपर नमक डालना है। बस किसी तरह ये खुल जाए, इसे खुलना है। अरे चलो खुलो। मुझे लगता है कि मुझे कुछ शरारत करनी चाहिए। ये मिर्च यहाँ डाल देता हूँ। आखिरकार अब बस सब्जियों और नमक को ब्लेंडर में पीसना बाकी है। उसके बाद हम सुरक्षित रूप से इस लिक्विड को सीधे फाउंटेन में डाल सकते हैं। वाह, देखो यह कितना अच्छा दिख रहा है। इसे फाउंटेन में डाल दिया। वाह, इसे ऑन करती हूँ और यह तैयार है। वाह, कितना बढ़िया। हाँ चलो दादी, ये बहुत अच्छा होगा, देखते हैं। चलो अब मैं क्या करूँगा? मैं केले के छिलके पर ये चॉकलेट सिरप डालता हूँ और दूसरे साइड से इसे ढक देता हूँ। वाह, और ऊपर से मैं इस स्प्रे से इसे जमा देता हूँ। वाह, अब इसे छिलके को हटाता हूँ और मेरे पास यह चॉकलेट बनाना तैयार है। कितना खूबसूरत दिख रहा है। बंदर केला यहाँ तक कि चॉकलेट वाले केले का भी दीवाना है।
मैं कुछ सॉसेज बनाऊंगी। वे छोटे ऑक्टोपस के आकार के होंगे। वे पक्का सब्जी सॉस में डुबाए जाने पर बेहतर स्वाद देंगे। वाह, इसे यहाँ रख देती हूँ स्टिक में डाल करके। बहुत सुंदर बना है। क्या हमें फाउंटेन में डुबाने के लिए कुछ चाहिए? फिर चिप्स ठीक रहेंगे, इसे सभी पसंद करते हैं। हाँ, ये रहा। हाँ ना, तय करो कि इस बार कौन जीत रहा है। वाओ, सब कुछ फिर से बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, मैं लिंजी के फाउंटेन से शुरू करूंगी। चलो देखते हैं चिप्स और चॉकलेट कैसा कॉम्बो बनाता है। मुझे उम्मीद है कि मैं निराश नहीं होंगी। बस बस, अभी इसे चेक कर देखती हूँ। वाओ, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। यह केचप जैसा दिखता है। चलो चेक कर देखती हूँ। मम्मी, ये इतना तीखा क्यों है? बहुत तीखा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब बंदर के इस केले के फाउंटेन को आजमाना बाकी है। बस देखो कि ये कितना अच्छा आइडिया है। असली केले से बना चॉकलेट केला। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया है। वाह, इस चुनौती में ये पहली बार है कि कोई जानवर जीत रहा है। बधाई हो बंदर, बधाई हो। मुझे ये पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह की रोमांचक चुनौतियों के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। यह और भी मजेदार होने वाला है। हमारे साथ बने रहे दोस्तों।